ब्रेक के बाद पीटीसी न्यूज हरियाणा के बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। रुक करते हैं फरीदाबाद का, जहां पर आपको बता दें कि अगर आपने बेतरतीब तरीके से अब फरीदाबाद के सड़कों पर वाहन लगाए तो आपकी खैर नहीं। सड़कों पर मार्केट की सड़कें, जीटी रोड, अन्य सड़कों पर अगर आपने इस तरह से गाड़ी खड़ी की है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब ऐसा करने पर आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए फरीदाबाद पुलिस, नगर निगम फरीदाबाद और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट से मिलकर एक योजना तैयार उन्होंने की है। अगर सब कुछ सही रहा तो सड़कों पर खड़ी करने वाली ये गाड़ियां न केवल इंपाउंड होंगी बल्कि इनका दोहरा चालान काटा जाएगा। इसके लिए इन तीनों विभागों ने प्राइवेट एजेंसी को चुना है, जो आने वाले दिनों में अपना काम शुरू कर देंगे। फिलहाल सड़क के किनारे खंभों पर नो पार्किंग और क्रेन से गाड़ियां उठाए जाने के चेतावनी बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। देखिए, हम जल्द ही एक टो व्हीकल क्रेन अभी लॉन्च सीपी साहब हमारे करेंगे, जिसमें स्मार्ट सिटी, एमसीएफ और पुलिस तीनों मिलकर काम करेंगे। और अभी हम उसमें टो व्हीकल क्रेन काम करने से पहले हम पब्लिक को जहां वो पार्किंग पहले करेंगे तो वो पार्किंग स्थान हम उसमें निश्चित कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। अभी वहां रोड के ऊपर व्हीकल ना खड़ा करके पब्लिक उस पार्किंग निर्धारित जो होगी उसमें अपना व्हीकल खड़ा करें, तो जल्दी हम उसमें अभी आज भी हम जाएंगे उसमें निश्चित कर रहे हैं अभी कहाँ कहाँ पार्किंग लोग करें। अगर उसके अलावा कोई वो बिना अनऑथराइज पार्किंग अगर करता है तो उसके लिए हम एक टो व्हीकल क्रेन अभी जल्द फरीदाबाद शहर में हमारे सीपी साहब के माध्यम से लॉन्च होगी, तो उसमें हम उसको आगे काम करें।